दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शादी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पानी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर फ्रांस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर उसको देता है और शादी होने पर ले लेता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर उपनाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत खराब माना जाता है फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गुस्सा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और पैसे भी नहीं देता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दूल्हे का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सुख और चैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सड़क। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या है जो मन में है और दिल में है पर धड़कन में नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आमिर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जो फ्रीज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गरम मसाला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अंडा बनने में 10 मिनट का समय लगता है तो 10 अंडे को बनने में कितना समय लगेगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 10 मिनट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उस पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर मोर। मोर का मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उत्तरा दूसरे की बारी, बोलो क्या? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तवा और रोटी। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि वह कौन सी चीज है जिसके फटने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं होती?
दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह में हरी, दोपहर में काली, शाम में नीली और रात में हरी दिखाई देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बिल्ली की आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ढोल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी ड्रेस है जिसे हम कभी पहन नहीं सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर एड्रेस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लौकी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो पानी में तैरता भी है, आकाश में उड़ता भी है और जमीन पर चलता भी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बतख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है, दिसंबर में नहीं, आग में होती है, पानी में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गर्मी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों में तो बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दाढ़ी और मूंछ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताऊं ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने पर वह बढ़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ज्ञान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो दिखता नहीं मगर सबसे काला है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कलंक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे खाते ही आप लाल हो जाते हैं और पीते ही शांत हो जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्रोध। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य की दो राजधानियां हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जम्मू कश्मीर की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चंद्रगुप्त के दरबार में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सोडियम क्लोराइड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
बिजली का आविष्कार कब और किसके द्वारा हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 1672 में बान ग्वेरिके ने जर्मनी में किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लगभग 8 मिनट में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां कपड़ों पर अखबार प्रकाशित होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर स्पेन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिंपांजी को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट छलांग मारता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कंगारू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नाइक्रोम। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि ऐसा क्या है जो समंदर में होता है और आपके घर में रहता है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वर्ष और शनिवार में एक बार सिर्फ हिंदी का अक्षर वही आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो जुड़वा बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे लेकिन उनका जन्मदिन जून में है, ये कैसे मुमकिन है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्योंकि मई एक जगह का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनका नाम जनवरी फरवरी और मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्या? इसका जवाब सवाल में ही है, बिल्ली का नाम क्या है? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक मेज पर एक प्लेट में 2 केले रखे हैं लेकिन खाने वाले 3 लोग हैं तो बिना कांटे कैसे खाएंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर एक प्लेट और एक टेबल पर यानी 3 केले हुए, तीनों को एक एक बांट दिए जाएंगे, सवाल में ही जवाब छिपा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसलिए सबसे पहले बेरोजगारों के लिए नौकरी के मौके उपलब्ध कराऊंगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उच्च शिक्षा लेने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के अधिकार को विभिन्न स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दूंगा, खासकर लड़कियों के लिए, जिससे माँ बाप उन्हें स्कूल भेज सकें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
किस देश के लोग कुत्ते का दूध भी पीते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार मानो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक लड़की को देख अरुण ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका अरुण से क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वह लड़की अरुण की बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। अगर आप डीएम हैं और आपको पता चले कि 2 ट्रेनें आपस में भीड़ गई हैं, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। भारत में भले ही चाय पीने वालों की संख्या ज्यादा है, मगर इसकी खोज चीन में हुई थी।